आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नसीरुद्दीन चिश्ती का बड़ा बयान, कश्मीर में नहीं हुआ मानवाधिकारों का उल्लंघन। होशंगाबाद में भीषण सड़क हादसा, 4 नेशनल हॉकी प्लेयर्स की मौत। मऊ में सिलेंडर ब्लास्ट से मकान गिरा, 12 लोग मारे गए, कई घायल। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का गर्व, लोकसभा चुनाव के नतीजे से दिल में है दुख। और छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री कमलनाथ की सेल्फी, इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी बने नंबर 1। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां के हालातों का जायजा लेने के लिए सूफी डेलीगेशन जम्मू कश्मीर पहुंचा हुआ है। डेलीगेशन के साथ गए नसरुद्दीन चिश्ती का बड़ा बयान सामने आया है। चिश्ती ने कहा है कि कश्मीर में किसी भी तरह के मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है। चिश्ती के मुताबिक, हम यहां स्थानीय लोगों से मिले और किसी भी व्यक्ति ने मानवाधिकारों का उल्लंघन होने की बात नहीं कही है। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा झूठा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद सूफी डेलीगेशन ने कई इलाकों में जायजा लिया। डेलीगेशन में शामिल नसरुद्दीन चिश्ती ने यह भी कहा कि मुसलमानों के रहने के लिए भारत सबसे बेहतर देश है। पाकिस्तान पीएम इमरान खान द्वारा जिहाद की बात कहना बेहद शर्मनाक है। पाकिस्तान की दिलचस्पी है तो उसे चीन और फिलिस्तीन में जाकर लड़ाई लड़ना चाहिए, हमें पाकिस्तान के मशवरे की जरूरत नहीं है। चिश्ती ने कहा कि कश्मीर में किसी भी तरह के मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है। चिश्ती के मुताबिक, हम यहां स्थानीय लोगों से मिले और किसी भी व्यक्ति ने मानव अधिकारों का उल्लंघन होने की बात नहीं कही। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा झूठा था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद आतंकवादियों के साथ ही माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों का कम्युनिकेशन रोकने के लिए सरकार द्वारा मोबाइल सेवा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। 69 दिन बाद घाटी के बंदिशों को राहत देते हुए सरकार ने पोस्टपेड कनेक्शन की मोबाइल सेवा शुरू कर दी है। हालांकि फिलहाल नेट सेवा शुरू नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के मऊ में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें मोहम्मदाबाद में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक 2 मंजिला इमारत ढह जाने से 12 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई, लोगों ने पुलिस को सूचना दी, साथ ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। कुछ के अब भी मलबे में दबे होने की खबर भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया है, साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद की भरोसा दिया है। सोमवार तड़के बलितपुर नगर में बिचलापुर मोहल्ले में रहने वाले छोटू विश्वकर्मा के घर अचानक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। धमाका इतना बड़ा था कि उसका मकान पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया, जबकि आस पड़ोस के मकानों में दरारें पड़ गईं। दूसरी तरफ धमाके की आवाज से पूरा मोहल्ला घरों के बाहर आ गया। ध्वस्त मकान से घायलों को एक एक कर निकालना शुरू किया। वहीं पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। हादसे में मारे गए लोगों के शव निकाले जाने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए मोहम्मदाबाद गोहना सामुदायिक अस्पताल भेजा गया। वहीं घायलों को तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा, जहां कुछ की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई थी। स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस मलबे में अन्य घायलों की तलाश कर रही थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही राहत और बचाव कार्य रोका जाएगा। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के खिलाफ देश के व्यापारी लामबंद हो रहे हैं। इनका कहना है कि इन कंपनियों ने मोबाइल ट्रेड खत्म कर दिया है। व्यापारियों ने इस मामले में देश भर में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के हस्तक्षेप के बाद सरकार और देश के व्यापारियों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। मंदी की आहट के चलते व्यापारियों की शीर्ष संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सरकार पर दबाव बनाया और सरकार को बताया कि फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियों की वजह से देश में मोबाइल ट्रेड खत्म हो गया है और FMCG भी खत्म होने की कगार पे है। इन कंपनियों की वजह से देश के व्यापारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार के साथ हुई बैठक में इन कंपनियों ने कहा कि ग्राहक को डिस्काउंट ब्रांड देता है, वो नहीं। हमारी यहाँ वाणिज्य मंत्रालय में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों के साथ में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हमने बहुत ज़ोरदार तरीके से देश के व्यापारियों का पक्ष रखा। हमने ये कहा कि इन दो कंपनियों के
होने से हमारे देश के व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारा मोबाइल ट्रेड तो लगभग खत्म ही हो गया है। आज मोबाइल खत्म हुआ है, कल FMCG खत्म होगा, परसों कोई और ट्रेड खत्म होगा, तो ये हमारे लिए बहुत बेहद चिंताजनक स्थिति है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ने कहा कि डिस्काउंट वो नहीं देते, डिस्काउंट ब्रांड देता है। इस मीटिंग के बाद व्यापारियों की संस्था को उम्मीद बंधी है कि सरकार जल्द सब कुछ ठीक कर लेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यापारी देश में बड़े आंदोलन का मन बना रहे हैं। मंदी के दौर में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स देश भर के व्यापारियों को इकट्ठा कर रही है। होशंगाबाद इटारसी के बीच सुबह भीषण सड़क हादसे में हॉकी के 4 नेशनल खिलाड़ियों की मौत हो गई। हादसा NH 69 पर उस वक्त हुआ जब खिलाड़ियों की कार रैसलपुर के पास पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हॉकी खिलाड़ियों की कार के परखच्चे उड़ गए और कार के अंदर बैठे 3 खिलाड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों खिलाड़ी होशंगाबाद में चल रहे थावरचंद ट्रॉफी में खेलने इटारसी से होशंगाबाद जा रहे थे। सुबह हॉकी खिलाड़ियों की कार रैसलपुर के पास पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हॉकी खिलाड़ियों की कार के परखच्चे उड़ गए और कार के अंदर बैठे 3 खिलाड़ियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों को जैसे ही हादसे की सूचना मिली वो मौके पर दौड़े और घायलों को होशंगाबाद के नर्मदा अस्पताल पहुंचाया, जहां एक और घायल खिलाड़ी ने दम तोड़ दिया। वहीं 3 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी खिलाड़ी होशंगाबाद में चल रहे ध्यानचंद नेशनल हॉकी ट्रॉफी में शामिल होने के लिए आ रहे थे। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि सभी अपने एक साथी का जन्मदिन मनाने के लिए इटारसी आए थे और आज सुबह मैच खेलने के लिए होशंगाबाद जा रहे थे, तब यह हादसा हो गया। मृतकों की पहचान इंदौर के शहनवाज खान, इटारसी के आदर्श हरदुआ, जबलपुर के आशीष लाल और ग्वालियर के अनिकेत के रूप में हुई है। ये सभी मध्य प्रदेश की हॉकी अकादमी के खिलाड़ी थे। ध्यानचंद जी के नाम पर एक हॉकी टूर्नामेंट चल रहा था, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारी टीमें आई हुई थी। इसमें ये हॉकी एकेडमी के भी कुछ बच्चे थे, उनकी भी टीम थी। इसमें से कुछ बच्चे इटारसी के रहने वाले थे, तो वहाँ गए हुए थे रात में। रात में वहाँ रुकने के बाद सुबह लौट रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी ने ओवरटेक किया, उसके कारण ड्राइवर से जो मेरी बात हुई उसे कहना है उसका बैलेंस बिगड़ गया, तो नीचे गाड़ी चली गई और सामने एक पेड़ से भी टकरा गई, तो उसमें 4 बच्चों की डेथ हो गई है। 3 घायल हैं अभी, जिसमें 2 की कंडीशन क्रिटिकल बता रहे हैं डॉक्टर। हम लोग देख रहे हैं कि जो घायल हैं उनका इलाज ठीक से हो जाए, जो मृतक हैं उनको देखने के लिए भी जो आगे की व्यवस्थाएँ वो करेंगे। अभी जो उनसे जानकारी ली गई, घायल हैं उसमें से 2 इटारसी के हैं और 1 ग्वालियर के हैं, और जो मृतक हैं उसमें 1 इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और इटारसी। होशंगाबाद कलेक्टर ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला कि एक गाड़ी ओवरटेक कर रही थी, जिसको बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाने के कारण यह हादसा हो गया। घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद इन खिलाड़ियों को दी जा रही है। ये सभी राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर दुर्घटना में मृत खिलाड़ियों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने खिलाड़ियों की मौत पर दुख व्यक्त किया और कहा कि जो खिलाड़ी घायल हुए हैं उनकी हर संभव मदद की जाएगी। वे मैच खेलने के लिए आ रहे थे, किसी गाड़ी ने उनको ओवरटेक किया और ओवरटेक करते समय इनकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई और एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें तुरंत उनको डायल 100 ने अस्पताल पहुंचाया। उस समय तक वो लोग उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन वहां जाते जाते 4 लोग दुनिया से चले गए और बाकी 3 लोगों को वहाँ अस्पताल में एडमिट करके पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरी कलेक्टर होशंगाबाद और SP होशंगाबाद दोनों से बात हुई और जो कुछ भी मदद दी जा सकती है वो पूरी दी जा रही है, जो ट्रीटमेंट हो सकता है। मैंने ये भी कहा कि अगर आवश्यकता पड़े तो भोपाल उनके इलाज के लिए ले आइए, जो एक्सपर्ट डॉक्टर वहाँ दिखा सके। भीषण सड़क हादसे में हॉकी के 4 नेशनल खिलाड़ियों की मौके पर मौत के बाद खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी होशंगाबाद पहुंचे, नर्मदा अस्पताल में सड़क दुर्घटना में घायल खिलाड़ियों से मुलाकात की। कहा कि सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी है और खिलाड़ियों के परिजनों को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी होशंगाबाद पहुंचे। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर चुनाव प्रचार का दौरा रद्द करके यहां पहुंचा हूं। नर्मदा अस्पताल में सड़क दुर्घटना में घायल खिलाड़ियों से मुलाकात की। सभी मध्य प्रदेश एकेडमी के बच्चे हैं, बच्चों के परिजनों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी।
आपको बता दें कि NH-69 पर खिलाड़ियों की एक कार रैसलपुर के पास पेड़ से टकरा गई थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हॉकी खिलाड़ियों की कार के परखच्चे उड़ गए और कार के अंदर बैठे 3 खिलाड़ियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों खिलाड़ी होशंगाबाद में चल रही थावरचंद ट्रॉफी में खेलने इटारसी से होशंगाबाद जा रहे थे। क्योंकि एकेडमी के बच्चे थे, हमारा दायित्व है यूं भी मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स में पहली बार सहयोग से ऐसा घटना इतनी बड़ी हुई है, हम सब दुखी हैं और मध्य प्रदेश शासन पूरा परिवार के घायल बच्चों के परिवार के और जो मृतक बच्चे हमारे चले गए उनके साथ है। मुख्यमंत्री जी हर दृष्टि से इसमें आर्थिक सहयोग की बात हो ये तो सरकार का दायित्व है, वो तो पूरा रहेगा ही। इंस्टाग्राम पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले नेता बन गए हैं। मोदी अब इंस्टाग्राम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा लोकप्रिय नेता बन गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। इसके साथ ही मोदी इस प्लेटफॉर्म पर फॉलो किए जाने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। अब मोदी के इंस्टाग्राम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विट पर भी उनके 50.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट ने 30 मिलियन फॉलोअर्स को पार कर लिया है। ट्रंप के इंस्टाग्राम पर 14.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा भी मोदी से पीछे हैं। हालांकि दुनिया सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वालों में मोदी अभी पीछे हैं। इस मामले में अभिनेता और अभिनेत्रियां सबसे आगे हैं। अभिनेत्री किम कार्दशियन 149 मिलियन यूजर्स के साथ टॉप पर हैं। उसके बाद काइली जेनर हैं जिनके 148 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पुर्तगाली फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 186 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पीएम मोदी ने 23 जुलाई 2019 को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की थी जो ज़बरदस्त चर्चा में रही। पीएम मोदी इस तस्वीर में एक छोटे बच्चे के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। बाद में पता चला कि वो भाजपा सांसद सत्यनारायण जटिया की पोती है। जटिया अपने बेटे बहू और पोते के साथ पीएमओ पहुंचे थे। मोदी ने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर साझा करते हुए लिखा था, क्या संसद में मुझसे मिलने के लिए एक बहुत ही खास दोस्त आया। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी हार को भुला नहीं पा रहे हैं। उनका दर्द यदाकदा उनके शब्दों में छलकता नजर आता है। शिवपुरी में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे से दिल में दुख है, पर मैं क्षेत्र के लिए अपना काम करता रहूंगा। मेरी जितनी हैसियत है उतना काम कर रहा हूं। बस इतना कह सकता हूं कि आप लोग मुझ में कुछ कमी नहीं पाओगे। आज मेरी भी सीमा है, बस इतना कहना चाहूंगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में गुना सीट से मिली हार का दर्द ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भी भुला नहीं पाए हैं। ये दर्द उनकी जुबान पर आ ही जाता है। सिंधिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे से दिल में दुख है, पर मैं क्षेत्र के लिए अपना काम करता रहूंगा। मेरी जितनी हैसियत है उतना काम कर रहा हूं। बस इतना कह सकता हूं कि आप लोग मुझमें कुछ कमी नहीं पाओगे। 2019 के आम चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कभी उनके खास रहे केपी सिंह ने गुना संसदीय सीट से हराया था। ये पहला मौका था जब सिंधिया राजघराने का कोई शख्स इस सीट से चुनाव हारा है। वो लगातार 3 बार इस सीट से चुनाव जीते थे। नतीजे आए हैं उससे हृदय में चोट तो है पर संबंध भी है और इसलिए चाहे अशोकनगर में जब अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई या ये घटना यहाँ घटी हो और रात में ही आके जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, जो मेरी हैसियत है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इतना मैं आ केवल आपको कह सकता हूँ कि मुझसे आप कोई कमी नहीं पाओगे। सिंधिया ने खुले में शौच के नाम पर 2 दलित बच्चों की पीट पीट कर हत्या की गई का दुख जताया और पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख का मुआवजा देने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ को चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उन्होंने पीड़ित परिवार को शिवपुरी शहर में पक्का मकान बनाकर देने की मांग की है। इसके अलावा दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने की भी बात कही। खुद सिंधिया ने भी पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद देने का वादा किया है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज।
देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला के निक्षेप क्रमांक 13 को लोहा खुदाई करने का ठेका जब से अडानी समूह को दिया गया है, तब से कांग्रेस, ई जनता कांग्रेस, जोगी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मजदूर संगठन और नक्सलवादी इसका पुरजोर विरोध करते रहे हैं। समय के साथ साथ विरोध करने वाले संगठनों की संख्या कम होती चली गई है। बेलाडीला को आस्था का विषय बताकर विरोध की मशाल जलाई गई थी, जो धीरे धीरे सब शांत हो गई। आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस ने भी विरोध करना बंद कर दिया। इसके पीछे का कारण अडानी की ताकत बताई जा रही है, जो एक एक कर सभी विरोधियों को प्रभावित करती गई। मगर इसे बाद भी जोगी, कांग्रेस के अजीत जोगी और अमित जोगी ने इसका विरोध करना बंद नहीं किया। अमित जोगी ने तो मुख्यमंत्री पर अडानी के हाथों बिकने तक के आरोप लगा दिए। बेलाडीला की इस लौह पहाड़ी को नंदराज पर्वत भी कहा जाता है। नंदराज आदिवासियों के देवता कहे जाते हैं, जिनका कि इस पर्वत पर निवास है। इसी आस्था का हवाला देकर अडानी की घेराबंदी की जा रही थी। वर्तमान में स्थानीय आदिवासियों और जोगी कांग्रेस के अलावा और कोई भी इस विरोध के लिए मुखर नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि अडानी के विरोध में मुखर होने के कारण ही अमित जोगी को एक बार 7 साल पुरानी शिकायत को आधार बनाकर जेल भेज दिया गया था। नंदराज पर्वत को बेचने का काम उन्होंने चालू किया और जिस काम पे अंतिम दस्तक इस सरकार ने करे, समझ में आ रहा है कि कौन आदिवासियों का हितैषी है। आदिवासियों के, बस्तर वासियों के हक की जल जंगल जमीन को बंद कमरों में बड़े बड़े उद्योगपतियों को नीलाम किया जा रहा है। और जब मैंने इस पर प्रश्न पूछा तो मुझको जेल भेज दिया। पुलिस की वाहन चेकी में एक फरार हत्या का आरोपी बदमाश पुलिस के हत्थे लग गया। बदमाश की कई दिनों से पुलिस को तलाश थी। चेकिंग के दौरान पुलिस को तलाशी में बदमाश के पास से एक देसी कट्टा, कई जिंदा कारतूस व दर्जनों चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं। हरदा जिले के टिमरनी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान कुख्यात बदमाश अब्बास खान उर्फ चंदू निवासी टिमरनी ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंदू पर हत्या, सेंधमारी जैसे कई आरोप थे। चेकिंग के दौरान चंदू के कब्जे से 12 बोर देसी कट्टा, 2 नग 12 बोर जिंदा कारतूस मिले हैं। साथ ही जिला खंडवा से चोरी किए गए 33 नए मोबाइल, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख आकी जा रही है, बरामद किए गए हैं। एक मोटरसाइकिल चालक को होगा, जैसे उसका नाम पता पूछा तो उसने बस अब्बास उर्फ चंदू अपना नाम बताया। उसकी मोटरसाइकिल को एक संदिग्ध नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिसके आधार पर उस पर शक होने पर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसकी बाएं तरफ की जेब में 12 बोर का देसी कट्टा और दाहिने तरफ की जेब में 2 जिंदा कारतूस मिले। जैसे थाने ले जाकर पूछताछ की गई, इसने थाने टिमरनी की 2 अभी ताज़ा पिछले महीने की चोरी करना कबूल किया और 2 पुरानी चोरी की घटनाओं को करना कबूल किया। मोबाइल की दुकान से मोबाइल चोरी किए इसने करीब 33 नग, कीमती करीब 5 लाख रुपये, वो चोरी करना कबूल किया, जिससे वो भी माल बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी अब्बास उर्फ चंदू से सख्ती से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि करीब 1.5-2 माह पहले बूंदी जिला खंडवा के बाजार की मोबाइल दुकान से अपने साथी राहुल निवासी औरंगाबाद एवं मीराबाई निवासी नादेड़ के साथ रात में शटर के ताले तोड़कर नकदी व मोबाइल चोरी की थी। आरोपी ने न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसे पूछताछ हेतु पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी अब्बास उर्फ चंदू पर पूर्व में थाना चिचोली जिला बैतूल में हत्या का आरोप भी है। फिलहाल वो अपने साथियों के साथ टिमरनी हरदा खंडवा महाराष्ट्र में आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है।
भोपाल में इन दिनों चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। कोलार में चोरों ने एक घर के सामने से दिन दहाड़े बुलेट चोरी कर ली। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल स्थित कोलार इलाके में सूने मकान में चोरी की वारदात आम बात है। ताजा मामले में कोलार रोड स्थित एक घर के सामने से चोर दिन दहाड़े बुलेट चुरा कर ले गए। बदमाशों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार महाबली नगर कोलार रोड निवासी गौरव पांडे विदेश में रहते हैं और मर्चेंट नेवी में नौकरी करते हैं। उन्होंने अपनी बुलेट को घर के सामने खड़ा किया था, तभी दोपहर करीब 1:30 बजे बदमाश आए और पहले उन्होंने बुलेट का हैंडल लॉक तोड़ा और फिर बुलेट चोरी कर ले गए। पीड़ित ने अपने सामने वाले मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया तो बदमाश उनकी बुलेट चुराते हुए नजर आए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रज्ञा पालीवाल का थाईलैंड में सड़क हादसे में निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में छतरपुर में किया गया। प्रज्ञा की मौत थाईलैंड के फुटेरा शहर में 9 तारीख को सड़क हादसे में हुई थी। प्रज्ञा की मौत की खबर से उसके परिजन परेशान हो गए थे, क्योंकि उनके परिवार में किसी के भी पास पासपोर्ट नहीं था, जिससे प्रज्ञा पालीवाल का शव लाने में दिक्कतें आ रही थी, जिससे नगर के जनप्रतिनिधि और युवाओं ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई। उसके बाद विदेश मंत्री और एमपी सरकार की मदद से प्रज्ञा का शव भारत आ सका। प्रज्ञा का शव जैसे ही उसके घर पहुंचा, वैसे ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। कलेक्टर मोहित बुंदास और छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी प्रज्ञा के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। प्रज्ञा के शव को महोबा रोड स्थित मुक्ति धाम में उसके भाई ने मुखाग्नि दी। 3:30 बजे जो है हमें कस्टम से डेड बॉडी मिली और वैसे ही हम जो छतरपुर के लिए लेकर रवाना हो गया। 2 घंटे के प्रयास किए गए। बेंगलुरु की एक कंपनी में काम कर रही छतरपुर की प्रज्ञा पालीवाल की थाईलैंड के फुकेट शहर में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वो बेंगलुरु से कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए थाईलैंड गई थी। इस पूरे मामले में एक दिक्कत ये भी सामने आई कि परिवार के किसी भी सदस्य के पास पासपोर्ट नहीं था, जिससे वे बेटी के शव को थाईलैंड से लाने के लिए परेशान हो रहे थे। राजनांदगांव में 30,000 लोगों ने जड़ी बूटी वाली खीर का प्रसाद लिया। शरद पूर्णिमा के मौके पर तड़के लोगों ने इस खीर को ग्रहण किया। मान्यता है कि इस खीर के सेवन से बीमारियां दूर रहती हैं। बर्फानी धाम आश्रम में मां पाताल भैरवी मंदिर प्रांगण में आज 30,000 से अधिक लोगों ने जड़ी बूटी युक्त खीर ग्रहण की। शिवलिंग के आकार में निर्मित विशालकाय मंदिर के गर्भगृह में मां पाताल भैरवी की मूर्ति स्थापित है। मध्य भाग में 10 महाविद्या और ऊपर के भाग में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर प्रांगण में विगत 20 वर्षों से जड़ी बूटी युक्त खीर का वितरण किया जा रहा है। आज भी 30,000 से ज़्यादा लोग जड़ी बूटी युक्त खीर को प्राप्त करने के लिए वहां पहुंचे थे और वहां चले भजन कीर्तन के बाद उन्होंने खीर को ग्रहण किया। सुबह 4 बजे से प्रसाद के रूप में इस खीर का वितरण किया गया। इस खीर के सेवन से बीमारियाँ मनुष्य दूर रहती हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश से लोग खीर ग्रहण करने के लिए पहुँचते हैं। इस जड़ी बूटी युक्त खीर से दमा, अस्थमा, सांस जैसी बीमारी से ग्रसित लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम प्रसाद जो है खीर प्रसाद, उसमें औषधि जड़ी बूटी कर दमा, सांस के मरीजों को वितरित करते हैं। कुछ वर्षों से लगभग 20,000 से 25,000 लोग औषधि युक्त प्रसाद प्राप्त करके और लाभ लेते हैं और यह बर्फानी सेवा श्रम समिति के सदस्यों का सतत प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ सोमवार को अलग ही अंदाज में नजर आए। वो सुबह अचानक छिंदवाड़ा के बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर पहुंचे और सेल्फी ली। इस दौरान प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे भी उनके साथ थे। एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो अचानक नगर निगम द्वारा बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर पहुंचे और अपनी सेल्फी ली। सेल्फी लेना भी एक आर्ट है। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री कमलनाथ सेल्फी पॉइंट पर पहुंचे और अपनी सेल्फी ली। जहां सीएम कमलनाथ खुद को कैमरे में कैद कर रहे थे, वहीं मौके पर खड़े कुछ लोगों ने ऐसा करते हुए उनकी तस्वीरें खींच ली। छिंदवाड़ा में नगर निगम कमिश्नर इच्छित गढ़पाले की कोशिश के चलते ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहां लोग आकर सेल्फी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भी आज यहां खुद को कैमरे में कैद करने से रोक नहीं पाए। इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ जिला कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में पहुंचे थे, जहां उन्होंने साफ किया था कि अब तक प्रदेश में 21,00,000 किसानों का कर्ज माफ हो चुका है। अकेले छिंदवाड़ा जिले में 1,00,000 से ज्यादा किसानों को कर्ज माफी का फायदा मिला है। उन्होंने फिर से दोहराया कि प्रदेश के एक एक किसान का कर्ज माफ होगा। वहीं उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर चिंता जताई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।